is one. Killer. This is us. हीरा है, हाथ में भी, हमारे पास में भी है, पर कीमत कहां समझी? और यदि कीमत ने समझे तो हीरे का मूल्य किया। हीरे का मूल्य हीरे में नहीं है, हीरे का मूल्य हीरे की कीमत को समझने में है। हजार हीरे इकट्ठे कर लो पर मूल्य न समझो तो क्या, और एक हीरा हो और मूल्य समझो तो क्या? हीरो का मूल्य समझो। जिन वचन हीरे हैं, हीरो का मूल्य, हीरो के पारखी। जब संसार से नजर हटेगी तब हीरो की ओर नजर जाएगी, अभी तो संसार के सुख की ओर नजर है। किसी ने प्रश्न पूछा, संसारी कौन? संसारी कौन? किसको संसारी कहना? संसारी किसको कहना? कौन संसारी है? नहीं 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 नहीं, यानी उसमें तुम और हम सब एक हो गए, सभी जीव एक है, उसमें संसारी किसको कहना? और वैरागी किसको कहना है? ऐसे नहीं, जिसकी नजर संसार के सुखों की ओर है वो संसारी, भले उसने साधु के वस्त्र को न पहने। समझना, नजर कहाँ है? संसार के सुखों की नजर पर नजर है, उसका मतलब है तो वो संसारी है, भले उसे भगवा वेश के कौन सा वेश को न पहना हो। नजर कहाँ है? संसार के सुख की नजर, तो वो संसारी, और संसारी लोग हीरे का मूल्य क्या समझेंगे? दवा का मूल्य तो रोगी समझता है भाई, जिसको रोगी नहीं है वो दवा रोग हो भी तो वो दवा का मूल्य क्या समझे? दवा का मूल्य, डॉक्टर का मूल्य, वैद्य का मूल्य, चिकित्सक का मूल्य तो रोगी समझे, और रोगी नहीं तो इसका मूल्य क्या समझे? कैसे समझेगा हर मूल्य उसका? कहां समझा? तो समझना, यदि अभी हमारी अभी भी नजर संसार के सुखों की ओर है, इंद्रियों के सुखों की ओर है, विषयों के सुखों की ओर है, मन के सुखों की ओर है, शरीर के सुखों की ओर है, तो समझना अभी भी हम क्या हैं? संसारी। इससे नजर हट गई तो वैरागी। अच्छा दिया, संसारी कौन? नजर संसार के सुखों की ओर, उसको पाने की लालसा, वो संसारी। और क्या है? ज्यादा लंबी छोटी बातें नहीं है क्या? हाँ, मैंने कहा ना, दृष्टि का है, सब दृष्टि का खेल है। नजर संसार के सुखों की ओर है कि नहीं? नजर कहाँ है? संसार के सुखों की ओर है, तो वो संसारी उसे है क्या भाई? और ये आठ परिधान के आठ बातें नजर हटाने की बातें हैं। बस नजर कहाँ से हट गई, कहाँ बल गई? और नजर बदलते ही तो नजारे और दृष्टि और सृष्टि बदल जाती है यार। तो आठ बातें परिधान, जब परिधान होता है तो नजर बदल जाती है, और नजर बदल गई फिर हीरे की कीमत पता लगती है कि क्या अनमोल हीरा। टीका में किसी ने प्रश्न किया, गुरु से शिष्य ने पूछा, गुरुदेव ये परिधान सूत्र कब तक पढ़ना, कब तक पढ़ना, कब तक अभी इसका परिधान करते रहने बातों का, और कौन जीव कब तक करे? क्या हमेशा ही करें? कब तक करें? कोई इसकी सीमा है या नहीं? आपने कहा है परिधान करे 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 जी, पर कब तक करे? क्या सीमा इसकी?
के बाद उसके बाद तो परिधान करना बंद हो जाए भाई, इसका परिधान ही करते रहे के मुक्ति की भी आराधना करे। पूछा है शिष्य ने गुरु से प्रश्न किया है, टीका में बात है कि कौन से जीव अभिधान करें, परिधान कौन से जीव करें। तो गुरु ने कहा गुण स्थानक कितने 14। एक अपेक्षा से दो गुण स्थानक, यहां दो गुण स्थानों की चर्चा है। इसकी टीका में हरिवंश सूरी दो गुण स्थानों की चर्चा कर रहे हैं। 14 है मोक्ष मार्ग भी असंख्य है, पराठा में आ गया, गुण स्थानक भी 14 कह रहे हो, तो यहां दो क्या उन्होंने कहा एक अपेक्षा से गुण स्थानक दो गुण स्थानक। नाम जानती हो दो गुण स्थानों का कौन कौन से, वो 14 गुण की बात ही नहीं कर रहे हैं, यहाँ परिधान करने की चर्चा है। परिधान कब करे तो वो कहते दो गुण स्थानक है, एक परमत्व गुण स्थानक एक अपरमत्व गुण स्थानक। बस एक परमत्व गुण स्थानक और एक अपरमत्व गुण स्थानक, एक अपेक्षा से दो ही गुण स्थानक। और दोनों के स्थानों में राहुआ जी पहले से 6 तक के अपरमत्व गुण स्थानक है, दोनों गुण स्थानों पे यानी परमत्व गुण स्थानक और अपरमत्व गुण स्थानक, दोनों गुण स्थान में रुआ जी अपनी अपनी गुण स्थानकों के अनुरूप उचित कृत्य करके आत्मा के दोषों का ह्रास और आत्मा के गुणों का प्रकटीकरण करता है। उन्होंने कहा आगे कहा जब तक जीव परमत्व गुण स्थानक तक है तब तक यह इसका परिधान करे। कब तक करे जब तक परमत्व गुण स्थानक पर है तब तक करे, समझे। इसी बात को मैं अच्छी तरह दूसरी तरह समझाना चाहता हूँ, गौतम स्वामी के माध्यम से समझाना चाहता हूँ इसी बात को दो गुण स्थानक एक परम, दूसरा परिधान कब तक करना है, कौन से गुण स्थानक तक जीव को करना है, परमत्व गुण स्थानक तक, समझे बात। अच्छा अब मैं गौतम स्वामी को इसी बात पे लेकर समझाना चाहता हूं। गणधर गौतम के मन में जब भी कोई जिज्ञासा होती थी महावीर के पास जाते थे, जिज्ञासा पूछते थे, जिज्ञासा का उत्तर देते थे भगवान महावीर। अभी भी कहते हैं भगवती सूत्र में अभी 36,000 प्रश्न पूछे, 36,36,36,00,000 भी पूछे होंगे, न जाने कितने पूछे, हजारों लाखों करोड़ों प्रश्न पूछे। किससे पूछे जो पूछा उसका जवाब दिया, जो पूछा भगवान महावीर से गणधर गौतम ने जो पूछा उसका जवाब दिया, जब पूछा जैसा पूछा उसका प्रश्न का जवाब दिया, कोई दिक्कत नहीं है, अपनी ओर से कुछ नहीं कहा, हजारों प्रश्नों का जवाब दिया, बस प्रश्न था उसका जवाब दे दिया। पर अपनी ओर से भगवान महावीर ने अपनी ओर से गौतम स्वामी को एक ही बात कही है, प्रश्नों का जवाब सब दिया, हजारों को प्रश्नों का जवाब दिया, वो प्रश्नों का जवाब है महावीर की बात नहीं है, समझना, प्रश्नों का जवाब है महावीर की बात नहीं है भाई, महावीर ने उसको कुछ कहा थोड़ी है, प्रश्न दिया प्रश्न का जवाब दिया, पर महावीर ने अपनी ओर से थोड़ी उसको कुछ कहा है। नहीं, ये न समझना कि भगवान महावीर ने गौतम स्वामी को अपनी ओर से नहीं, ये नहीं, प्रश्न है प्रश्नों का जवाब है, अपनी ओर से थोड़ी कुछ कहा है। और अपनी ओर से तो भगवान महावीर ने गौतम को एक ही बात कही है, पूरे वर्षों में एक ही बात कही है, ज्यादा बातें नहीं कही। नहीं गौतम ये सब बातें ये बेकार की बातें हैं, गौतम ने पूछा गौतम को जवाब दिया यार, सबको क्या कहा यार, ये तुमने अपने मन से जोड़ा यार,
हम तो उसके भूमिका में भी नहीं है यार। अब परम कहाँ है, पहले गुरिस्तान में भी नहीं है, तो उनके लिए सबको थोड़ी गाय भाई। ये तो हमने अपने मन से जोड़ा हुआ है यार कि सबको कहा, सबको कहा, सबको कहा था। जब जब पूछा है गौतम, यदि सबको कहा तो गौतम नाम बीच में क्यों लाए? स्पेशल गौतम को कह रहे हम, अब इतने जिन्हें बैठे हैं, मैं जनरल बात कहूं और किसी को व्यक्तिगत विशेष नाम लेकर कहूं तो क्या मतलब क्या उसका? आप इतने सब जिन्हें बैठे हो, मैं बोल रहा हूं, जनरल बात कह रहा हूं और मैं किसी व्यक्ति विशेष का नाम लेकर उसको उसको संकेत करके उसका नाम लेकर ये बात कहूं तो वो बात सबके लिए होगी क्या? बोलूं किसी व्यक्ति से का भी व्यक्ति विशेष का नाम लेके मैं बात करूं तो बात उसी व्यक्ति विशेष के लिए होगी कि सबके लिए लागू होगी? तो गोयम गौतम को कहा है, क्या मतलब इसका? परिधान सूत्र के भी बात चल रही है, देखो संदर्भ परिधान सूत्र का है, उसके संदर्भ में ये बात कह रहा हूं मैं, अपने विषय से हट नहीं रहा। क्या समझे तुम? अभी कहा था ना गुण स्थानक कितने, दो, कौन कौन से परिधान, कौन से गुण स्थानक वाले जीव को करना चाहिए, कब तक करना चाहिए? हैं परमत्व को, गौतम स्वामी कौन से गुण स्थानक में हैं, तो उनके लिए परिधान जरूरी है। समझो समझो, हमारे ये गौतम को भी जरूरी है। गौतम ने को भी कहा है तू इन चीजों का, आठ बातों का परिधान कर, क्यों? अभी परमत्व की भूमिका में है, अब परमत्व की भूमिका में नहीं आया, परमाद मत कर, परमाद और परमाद वाले के लिए तब जब तक छठे गुण परमत्व गुण स्थान में तब तक ये परिधान जीव के लिए, और यदि इसको छोड़ दिया परिधान को परमत्व से भी बाबा मिथ्या गुण स्थान से बाहर भी हो सकता है। गौतम स्वामी को जो हम जय विराज जिसके कह रहे हैं प्रार्थना कर रहे हैं ये सूत्र, उसको भी जरूरी लागू होता है, उसके ऊपर भी गौतम को भी इसका परिधान कर। महावीर ने गौतम को भी कह रहे हैं, अभी तुम कह रहे थे कि गौतम के माध्यम से सबको कहा है, तो फिर परिधान का सूत्र भी सबको कहा कि नहीं कहा? तो कब तक किया, कब कब किया, कितनी बार किया, कितनी बार किया? अरे गौतम को भी परिधान, ये सूत्र कैसा है? मैं इसका अभी तो सूत्र चालू नहीं किया, सूत्र का मत बता रहा हूं, सूत्र मत किसी गौतम स्वामी को भी जिसकी जरूरत पड़ रही है। हम गौतम का नाम ले रहे हैं और गौतम में भी एक चीज की कमी है, केवल यह लटक गया, वो देखो इसी सूत्र में है। और महावीर ने कहा तो परमत्व की भूमि का है, तो ये कर परिधान करना, देखो कितना महत्वपूर्ण होगा ये सूत्र, जय विराय जय विराय जय विराय हजार बार बोला है और सब जिन्हें कहते हमने इसका अर्थ कर लिया कर लिया कर लिया, अर्थ भी कर लिया। अरे आगम ग्रंथ पढ़ लिए तो इसका अर्थ तो हो ही गया ना, और गौतम ने लटका है। तुमको लगता है गौतम को भी ये जरूरी है? और जो चीज इतनी ऊंची भूमिका वाले के लिए जरूरी हो तो हमारे लिए, हमारे लिए जरूरी नहीं है? तो क्या विचार है? चलो ये परिधान सूत्र गणित के दूषित कम से कम इस चातुर्मास में मैं अपेक्षा करूंगा भाई, जिनको नहीं आता वो किताब से भी देखकर बोलना तो सीखे, मंत्राक्षर हैं गौतम स्वामी का अटक गया, और भावना करें, परिधान करें, पढ़कर भी करें, और जितना होता उतना, छोटी सी दो ही तो गाथाएं यार, क्या याद नहीं कर सकते? और जिनको याद है वो इसका अर्थ करें, और अर्थ वाले भावार्थ करें, और भावार्थ वाले रस से करें। जिनको याद नहीं है याद करें, जिनको याद है वो अर्थ देखे, अर्थ वाले भावार्थ, और भावार्थ वाले रस्य, और रस्य वाले आत्मसात करें। आदिमं तीर्थनाथं च
ऋषभ स्वामिनं स्तुमः। ज्ञानामृतेन लोकानां कष्टोच्छेदविधायिने इदं युगेन वीराय नमो वल्लभसूरये। आज एक बहुत ही विशेष प्रसंग पर चर्चा करूंगा। हम यहां पर जो चातुर्मास कर रहे हैं, इस नगरी का नाम क्या है? पालीताना। पालीताना और शत्रुंजय यह एक दूसरे का पर्याय बन चुके हैं। हम कहां जा रहे हैं? शत्रुंजय जा रहे हैं। हम कहां जा रहे हैं? पालीताना जा रहे हैं। इस पालीताना नगरी का इतिहास क्या है? इस पालीताना नगरी को किसने बसाया, कैसे यह बसी, इसके पीछे जो राज और रहस्य छुपा हुआ है, कुछ विशेष जो घटना रही हुई है, उस घटना की मैं आज चर्चा करूंगा। इस नगरी को बसे लगभग 1700 वर्षों से भी अधिक का समय हो गया। विक्रम संवत की तीसरी सदी, तीसरी शताब्दी का समय। हमारे जैन शासन के एक महान धुरंधर, दिग्गज विद्वान, जिन शासन के अजोड़ बेजोड़ प्रभावक, ज्योतिष, वास्तु, शिल्प एवं विशेष रूप से मंत्रों के प्रखर वेत्ता, मंत्र शास्त्रों के निष्णात, चमत्कारी विद्याओं के पारगामी, ऐसे आचार्य भगवान पादलिप्त सूरी जी महाराज हुए। आचार्य भगवान क्या नाम था? आचार्य भगवान पादलिप्त सूरी जी महाराज। उनके पास आकाशगामिनी विद्या थी। वे आकाशगामिनी विद्या के जानकार थे। आप और हम तो धरती पर चलते हैं, लेकिन उन्हें कहीं भी, यहां से कहीं पर भी जाना हो, चाहे 10, 20, 50, 100, 500, 1000, 10,000 किलोमीटर भी जाना हो, तो वे आकाशगामिनी विद्या के माध्यम से कहीं भी जा सकते थे। और वे आकाशगामिनी विद्या के माध्यम से गणधर गौतम स्वामी द्वारा रचित जगचिंतामणि, जो चैत्य वंदन हम प्रतिदिन करते हैं, जगचिंतामणि में विशेष रूप से 5 तीर्थों का वर्णन आता है। जग चिंतामणि में विशेष रूप से 5 तीर्थों का वर्णन आता है। ऐसे 5 तीर्थों की, जग चिंतामणि में वर्णित 5 तीर्थों की वे प्रतिदिन आकाशगामिनी विद्या के माध्यम से यात्रा किया करते थे, और उसके बाद ही मुंह में अन्न जल ग्रहण किया करते थे। उनका नियम था। ऋषः शत्रुंजय, शत्रुंजय में विराजमान प्रथम तीर्थाधिपति आदिनाथ दादा के प्रतिदिन दर्शन करना,
दिन शत्रुंजय गिरिराज की स्पर्शना करना और तीर्थाधिपति आदिनाथ दादा के दर्शन वंदन करना, चैत्य वंदन करना उनका नित्य क्रम था। दूसरा तीर्थ उज्जैन की पहु नेमी जी ने गढ़ गिरनार तीर्थ की यात्रा करना, जहां पर अखंड बाल ब्रह्मचारी नेमीनाथ दादा के तीन तीन कल्याणक हुए हैं और आगामी 24 के 24 तीर्थंकर परमात्मा जहां से निर्वाण को प्राप्त करने वाले हैं। समय शिखर महातीर्थ से इस 24 के 20 तीर्थंकर परमात्माओं ने निर्वाण को प्राप्त किया, मोक्ष में गए। लेकिन आगामी 24 के 24 तीर्थंकर परमात्मा ही इस गढ़ गिरनार से निर्वाण को प्राप्त करेंगे। ऐसे गढ़ गिरनार तीर्थ की स्पर्शना करना, गढ़ गिरनार के तीर्थाधिपति नेमीनाथ दादा के दर्शन वंदन और चैत्य वंदन करना, तीर्थ यात्रा करना। पहला तीर्थ शत्रुंजय, दूसरा तीर्थ गिरनार, तीसरा तीर्थ वीर सच्च उरी मंडन, सांचोर, राजस्थान में जालोर के पास सांचोर है और सांचोर में हमारे आसन्न उपकारी शासन नायक परम परमात्मा महावीर का अद्भुत जिनालय है और वह ऐसा भगवान महावीर का जिनालय, उसमें अद्भुत परमात्मा महावीर की प्रतिमा जो परमात्मा के जीवित स्वामी जीवित समय की बनी हुई प्रतिमा, परमात्मा महावीर के अग्रज नंदीवर्धन ने जिस प्रतिमा को भरा करके विराजित किया, ऐसे सांचोर में विराजित जिनालय में जीवित स्वामी भगवान महावीर स्वामी की प्रतिदिन दर्शन करना, वंदन करना, चैत्य वंदन करना, सांचोर तीर्थ की यात्रा करना। चौथा तीर्थ भरु अच्छाई मुनि सुव्वय, भरुच में विराजमान 20 तीर्थाधिपति मुनि सुव्रत स्वामी, स्वयं मुनि सुव्रत स्वामी दादा ने सारी रात भर 60 योजन का विहार करके एक अपने पूर्व जन्म के मित्र जो अश्वरूप में था उसको प्रतिबोध देने के लिए पधारे। प्रभु कितनी करुणा, ऐसे अश्वावबोध तीर्थ भरुच में मुनीश्वर स्वामी दादा की प्रतिदिन दर्शन करना, वंदन करना, चैत्य वंदन करा, भरुच तीर्थ यात्रा। और पांचवा तीर्थ महुरी पास दुह दुरीय खंडन, आगरा के निकट मथुरा में विराजमान, आगरा के निकट मथुरा में विराजमान पार्श्वनाथ दादा, पुरुषाधानी पार्श्वनाथ दादा, कैसे परमात्मा पार्श्वनाथ दादा जिसके लिए विशेषण दिया गया दुह दुरीय खंडन, दुख और दुरित का नाश करने वाले, दुरित यानी कि पाप का नाश करने वाले, सब पाव प्रणासनो, दुख दारिद्र दुर्भाग्य का अंत करने वाले और सभी प्रकार के पापों को नष्ट कर देने वाले, अष्ट कर्मों को नष्ट कर देने वाले, ऐसे दुह दुरीय खंडन दुख और दुरित का नाश करने वाले ऐसे मथुरा तीर्थाधिपति पार्श्वनाथ दादा के नियमित रूप से दर्शन करना, वंदन करना और चैत्य वंदन करना, जग चिंतामणि में वर्णित 5 तीर्थों की यात्रा नियमित रूप से प्रतिदिन। पहला कौन सा तीर्थ शत्रुंजय, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे पांचों ही तीर्थों की नित्य नियमित रूप से प्रतिदिन आकाशगामिनी विद्या के बल से यात्रा करना,
पांचों ही तीर्थों की स्पर्शना करना, पांचों ही तीर्थाधिपतियों को दर्शन वंदन नमन करना, चैत्य वंदन करके उसके बाद ही वे मुंह में अन्न जल ग्रहण किया करते थे। एक दिन ऐसे आचार्य पादलिप्त सूरी जी महाराजा ढंका नाम की नगरी में पधारे। ढंका नाम की नगरी में पधारे, चहुं ओर उनका प्रभाव फैल रहा था, प्रवचन प्रभावक थे, वक्तृत्व शैली अद्भुत थी, मानव मेदी उभरती थी, उमड़ती थी, चहुं ओर उनकी प्रख्याति फैल रही थी। और ढंका नगरी में ही एक नागार्जुन नाम के क्षत्रिय जाति से जुड़े हुए एक योगी थे, सन्यासी थे, नागार्जुन नाम के सन्यासी क्षत्रिय थे। जैसे ही नागार्जुन नाम के सन्यासी को, योगी को यह पता चला कि यहां पर जिन शासन के अजोड़ बेजोड़ प्रभावक आचार्य पादलिप्त सूरी जी महाराज विराजमान हैं और उन्हें आकाश गामिनी विद्या प्राप्त है, उनका नाम पादलिप्त सूरी क्यों पड़ा, उनका नाम पादलिप्त सूरी क्यों पड़ा? कारण कि वे अपने पांव पर, पाद यानी कि पांव, पाद यानी कि पांव, पांव पर वो इस तरह से विशिष्ट औषधियों का, वनस्पतियों का लेप बना करके पैर में लगा करके उड़ा करते थे, इस कारण से उनका नाम पादलिप्त सूरी पड़ा। जैसे ही नागार्जुन को पता चला कि यहां पर विराजित आचार्य पादलिप्त सूरी जी महाराज आकाश गामिनी विद्या के जानकार हैं और वे अपने पांवों पर ऐसा औषधियों का लेप लगाते हैं और उनके कारण ही वे आकाश में उड़ करते हैं, तीर्थों की यात्रा कर लेते हैं, उस आचार्य नागुर्जन ने भी वर्षों वर्षों के श्रम के बाद, परिश्रम के बाद, साधना के बाद कुछ वनस्पतियों को सिद्ध किया था और उन वनस्पतियों को सिद्ध करके उसने सुवर्ण रस की सिद्धि प्राप्त की थी। उसके मन में हुआ कि क्यों न मैं भी इस सुवर्ण रस की शीशी भर करके आचार्य पादलिप्त सूरी जी को भेजूं और उनसे बदले में यह जो आकाशगामिनी विद्या है यह मैं उनसे प्राप्त करने का प्रयास करूं। आचार्य नागार्जुन ने अपने शिष्य को एक शीशी में स्वर्ण रस भर करके और आचार्य पादलिप्त सूरी जी के पास भेजा। उस शिष्य ने जाकर के आचार्य भगवान को नमन किया, नम्र निवेदन करते हुए कहा कि भगवान, मेरे गुरुदेव आचार्य नागार्जुन ने आपको यह एक भेंट दी है, आपको उपहार भेजा है, मेरे गुरु ने वर्षों वर्षों की साधना के बाद वनस्पतियों को सिद्ध किया और उससे यह सुवर्ण रस की सिद्धि हासिल की है और यह सुवर्ण रस सिद्ध किया हुआ यह आपको उन्होंने उपहार रूप में भेजा है, भेंट रूप में भेजा है, आप इसे स्वीकार कीजिए। उस शिष्य से आचार्य पादलिप्त सूरी जी ने वह शिष्य हाथ में ली, कुछ मुस्कुराए, हंसे और उस शीशी को खोल करके सामने एक दीवार थी उस पर जोर से दे मारी, शीशी टुकड़े टुकड़े हो गई, सुवर्ण रस बिखर गया। यह दृश्य देख करके शिष्य ने कहा कि गुरुदेव आप क्या कर रहे हैं, मेरे गुरु आचार्य नागार्जुन ने वर्षों वर्षों की साधना के बाद इतना श्रम परिश्रम करके
और यह सिद्धि हासिल की थी स्वर्ण रस की, और बड़े अहोभाव बहुमान भाव से उन्होंने मेरे माध्यम से आपको यह स्वर्ण रस उपहार रूप में भेजा, आपने यह क्या किया? बस कोई चिंता ना करो, सब अच्छा होगा। गुरुदेव ने कुछ श्रावकों को बुलाया और कहा कि भी ये आए हैं, इनको ससम्मान भोजन कराओ। उनको भोजन कराया, सम्मान बहुमान किया, और जैसे वो विदा होने लगे तो उस नागार्जुन गुरु के शिष्य को आचार्य पादलिप्त सूर्य जी महाराज ने एक शीशी, शीशी में क्या था? उनका अपना मूत्र था, अपना पेशाब था, अपना बाथरूम था। शीशी में अपने बाथरूम मूत्र को भर करके, पेशाब को भर करके, शीशी को बंद करके उसको दिया, बेटा जा ये अपने गुरुजी को जाकर के मेरी ओर से उपहार दे देना। शिष्य उस शीशी को लेकर के विदा हुआ। मन में आक्रोश था, रोष था, लेकिन बड़ों के सामने क्या कह सकता। अपने गुरु के पास में आया और आचार्य नागार्जुन के पास जाकर के वह शीशी हाथों में थमाते हुए कहा कि गुरुदेव, जो उन्होंने आपके साथ व्यवहार किया अच्छा नहीं किया। वो सारी घटना, सारा वृत्तांत कह सुनाया और उनको शीशी थमा दी। वो सारा जो वृत्तांत सुना आचार्य नागार्जुन ने, वे भी आवेश में भर गए, आक्रोश से भर गए, और उन्होंने भी चिढ़ करके, आवेश से भर करके वो जो शीशी भेजी थी आचार्य पादलिप्त सूर्य जी ने, सामने एक शिला पड़ी हुई थी, वो शीशी उठाकर शिला पर दे मारी। लेकिन चमत्कार, जैसे ही शीशी पत्थर पर फेंकी, शिला पर फेंकी, वो शीशी फूटते ही शिला सोने की बन गई। आचार्य नागुर और शिष्य देखते रह गए, चौंक गए, आश्चर्यचकित रह गए, ये क्या? यह देख करके उनका आम चकनाचूर हो गया, पद का मद उतर गया और सीधा आचार्य पादलिप्त सूर्य के चरणों में पहुंचे, नतमस्तक हो गए, क्षमा याचना की। आचार्य पादलिप्त सूर्य ने कहा, अरे नागार्जुन, तूने वर्षों वर्षों का श्रम परिश्रम करके, वर्षों वर्षों तक साधना करके तूने क्या किया इस नश्वर नश्वर सुवर्ण की प्राप्ति के लिए? तूने सुवर्ण रस की सिद्धि करी, वर्षों वर्षों लगाए, वर्षों वर्षों की साधना, वर्षों वर्षों का श्रम परिश्रम करके आखिर तूने क्या हासिल किया इन नश्वर सुवर्ण रस की प्राप्ति? अगर तूने कुछ इतना समय अपनी आत्मा के उत्थान के लिए लगाया होता, तूने कर्म मुक्ति आत्मशुद्धि के लिए लगाया होता, तेरी आत्मा का कल्याण हो जाता। आचार्य पादलिप्त सूर्य जी महाराज के इन दिव्य वचनों को सुनकर के, इस आत्मस्पर्शी दिल को छू लेने वाले, दिल को आंदोलित कर देने वाला, हृदय तंत्री को झंझरा देने वाले ऐसे शब्दों को सुनकर के उनका सिर शर्म से झुक गया, चरणों में नत हो गया, और वे गुरु के प्रति हमेशा हमेशा के लिए समर्पित हो गए। आचार्य पादलिप्त सूर्य जी के चरणों में आचार्य नागुर्जुन हमेशा हमेशा के लिए चरणों में नत हो गए, समर्पित हो गए, उनकी चरण की शरण को स्वीकार कर लिया, चरणों की छांव तले बैठ गए, गुरु के सानिध्य में रहते, गुरु की खूब सेवा शुश्रूषा करते। प्रतिदिन गुरुदेव जब यात्रा करके लौटते, उनके चरणों का प्रक्षालन करते, पाद प्रक्षालन करते,
और पाद प्रक्षालन करते करते, क्योंकि वो आचार्य नागार्जुन भी बड़े प्रखर मेधावी थे, प्रतिभा संपन्न थे, वनस्पतियों के जानकार थे, औषधियों के वेत्ता थे, गुणधर्म को जानते थे। वो जैसे गुरुदेव पधारते, उनके चरणों का प्रक्षालन करते, वो लेप को सूंघ सूंघ करके उन्होंने उसमें किन वनस्पतियों का संयोजन किया जाता है, इस लेप में किन किन औषधियों का सम्मिश्रण है, सम्मेलन है, सब समझ लिया, जान लिया, पहचान लिया, परख लिया। Together as one, killer. This is us.